विवान यानी कि बिद्दू जामवाल और अंशिका यानी कि रुक्मणी मैत्रा, जहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ है। 3 साल के साथ, 3 साल हो चुका है रिलेशनशिप को, शादीशुदा रिलेशनशिप को। और कहीं ना कहीं अचानक एक दिन कुछ तबीयत खराब हो जाती है अंशिका की। तो जब वो अस्पताल लेकर जाते हैं यहाँ पे बिद्दू जामवाल, तो उन्हें पता चलता है उन्हें उसकी वाइफ को किसी तरह की बीमारी, जिसके लिए उसे एक मोटी रकम जमा करनी है। बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह से रकम जमा करता है और अस्पताल में उसे एडमिट करवाता है। और अस्पताल में जब वो ठीक होने की कागार पर पहुंचती है, तब उसी अस्पताल में कुछ गुंडे लोग, बहुत बड़े गैंगस्टर लोग अटैक कर देते हैं। तो अब किस तरह से विवान अपनी वाइफ अंशिका को बचा पाता है या नहीं, ये उससे जुड़ी हुई कहानी है। वहीं जो कार्टल या जो टेररिस्ट या जो फिर गुंडे रहते हैं, उसे पकड़ने के लिए जो पुलिस की महकमे की जो मेन लीड ऑफिसर है वो है नेहा धूपिया यहाँ पर, और जिनकी खुद की बेटी भी इस पूरे प्रकरण में बहुत बुरी तरह से फंसी रहती है। तो बहुत कुछ है इस स्टोरी में, और सिर्फ अगर आपकी नजरें गड़ी रहेंगी इस फिल्म में, तो दो लोगों पे, एक तो चंदन और सानियाल जो यहाँ पर विलन है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और दूसरे विद्युत जामवाल, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और ये जो केमिस्ट्री है दोनों ही एक्टर्स में, अंशिका और विवान यानी कि विद्युत जामवाल, और जो नई हीरोइन है रुक्मणी मैत्रा, इन दोनों की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। कनिष्क वर्मा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, आशीष प्रकाश वर्मा ने इस फिल्म को लिखा है। और ये फिल्म 2002 की हॉलीवुड फिल्म जॉन क्यू पर बेस्ड है, जिसमें फीचर हुए थे डेंजल वाशिंगटन, और बहुत ही बढ़िया वो भी फिल्म थी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये फिल्म उसी से इंस्पायर्ड है, और लगभग 2 घंटे से थोड़ी सी कम ये फिल्म है, और ये फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ये फिल्म अवेलेबल है, और ये फिल्म आप जरूर देखिए। एक्शन बहुत अच्छा है इस फिल्म का, जो एक खास बात, अच्छी बात जो मैं अब इस फिल्म की बता रहा हूँ, जो इसके हाईलाइट है यानी कि पॉजिटिव पॉइंट है, एक्शन अच्छा है, स्क्रीन टाइम इस फिल्म का बहुत ही हिसाब से है, एंड फिल्म में नॉनसेंस नहीं है। जो भी स्टोरीज है वो बहुत अच्छे से, स्टोरी को, स्क्रीन प्ले को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एंड देन वी हैव लॉट ऑफ गुड डायलॉग्स इन दिस फिल्म। एक डायलॉग है कि मैं आपको रैम्बो समझ रहा था, आप तो रैम्बो निकले। लॉट ऑफ डायलॉग्स, और ज्यादातर अच्छे अच्छे डायलॉग्स यहाँ पर चंदन रॉय सानियाल जो विलन है उसको दिए गए हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड इट्स ए गुड फिल्म, ए गुड एक्शन फिल्म। एक्शन फिल्म में हॉलीवुड लेवल का था, नो डाउट। एक्शन नया था, डिफरेंट था, जो मुझे काफी अच्छा लगा। और एड्रेनल रश जो किसी फिल्म को देख के आता है एक्शन फिल्मों को, वो विद्युत जामवाल की फिल्मों को देखकर आता है, और यहाँ पे वो रश देखने को मिला। विपुल अमृताल शाह इस फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं आशीष ए शाह के साथ, एंड ये फिल्म अच्छी होगी, और अच्छी है, मतलब मैंने देखा हूँ ये फिल्म अच्छी है, और ये फिल्म लोगों को पसंद आई, कहने का मतलब ये है। और ये फिल्म आज ही यानी कि 15 अक्टूबर को रिलीज हुई है, आप इसे बिना मिस करे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखिएगा। आपको विवान का परफॉर्मेंस यानी कि विद्युत जामवाल का परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगेगा। फिल्म में बहुत अच्छे हाई मोमेंट्स है जो आपको अच्छे लगे, इमोशनल मोमेंट्स भी है। आई मीन इट्स ए राइट अमाउंट ऑफ इमोशन प्लस एक्शन मिक्स टूगेदर एंड पोर्ट्रेट एंड मेड ए गुड फिल्म टाइटल्ड एज सनक। एक अच्छी फिल्म है जिसको देखकर आपको आपकी सनक जाएगी, मतलब एक्शन को लेकर बहुत अच्छी फिल्म। मैंने भी ज्यादा पकाऊंगा नहीं, मैं सीधा सीधा रेटिंग की बात करता हूँ। इस फिल्म को मैं 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। मुझे लगता है फिल्म में और भी कुछ चीजें डाल सकते थे मेकर्स, थोड़ा सा और आई मीन इमोशनल वे में, या फिर बहुत चीजों को, या फिर परफॉर्मेंस वाइज थोड़ी बहुत चीज आई थिंक विद्युत की तरफ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विद्युत नोज की उन्हें जो एक्टिंग की ABCD है उसे प्रॉपर वो नहीं कर पाते, ही नोज दैट एंड स्टिल ही ट्राइज हिज बेस्ट, जो अपने आप में अच्छी बात है। एंड एक्शन फिल्म के हिसाब से विद्युत कोई मतलब कमी नहीं छोड़ते, और एक्शन के मामले में मैं उन्हें जज ही नहीं कर सकते हैं, फाइव आउट ऑफ फाइव स्टार। बट हाँ, एक्टिंग वाइज वो थोड़े से कमजोर पड़ते हैं, दैट्स द ओनली ड्रॉबैक ही हैज, अदरवाइज ही इज ए ग्रेट एक्टर। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय।